राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। ये पूछना था मुझसे कि मैं डॉक्टर हूँ यहाँ रायपुर का। अच्छा। और बिना दवा गोली के लकवा वगैरह ठीक करता हूँ। अच्छा। और भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दी कि आज 1.5 सालों से बहुत ही सफल इलाज दे पा रहा हूँ। हाँ। बस समस्या ये है कि जैसे कि 90% लोग मुझसे ठीक हो जाते हैं, पर कुछ 5-10% लोग जैसे ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके भाग्य या जो भी हो मुझे पता नहीं, वो ठीक नहीं। पहले ये बताओ कि लकवा क्यों लगता है? जी, लकवा ब्रेन में क्लॉट आने से लगता है। जैसे अगर राइट खून राइट के थक्के जम जाते हैं। जी सर। क्यों जमता है ये खून का थक्का? ये गैस बनने से होता है, बीपी बढ़ जाता है और क्लॉट आने से भी लकवा आ जाता है। तो फिर आप कैसे इलाज करते हैं इसका? हम इसका बिना दवा गोली से इलाज करते हैं। कैसे? सुजोग पद्धति के माध्यम से। ये क्या होती है? ये चाइनीज पद्धति है और कोरियन पद्धति है। है इंडियन ही, पर हाँ। बाहर जाके यहीं आ गया। तो कैसे, कुछ हमें बताओ कैसे, क्या करते हैं? हाथ और पैरों के माध्यम से इलाज होता है गुरुजी। जैसे कि एक्यूप्रेशर। हाँ, आप एक्यूप्रेशर एक उसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा। पर 32 टाइप का काम करता हूँ उसमें। बहुत सारा मोक्षीवेशन और ट्रायोजन वगैरह होता है। तो मरीज को पूरा आराम लगता है? 90% पूरा पूरा वो ठीक हो जाता है। जैसे किसी का शोल्डर पकड़ लिया, वो 2 घंटे में भी ठीक हो सकता है। नहीं, 4 दिन जैसे ना लकवा अधिकांश आधे अंग में मारता है। जी जी। पैरालिसिस होता है, वो आधा अंग समाप्त जी, जी। कर देता है। तो उसमें आप उसको आधा अंग ठीक कर लेते हैं? बहुत ही सफल इलाज है मेरे पास। तो मेरे वीडियोस हैं और मेरे पेशेंट भी डायरेक्ट मिलते हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। तो फिर आप निःशुल्क इलाज करते हैं? निःशुल्क इलाज नहीं करता, निःशुल्क परामर्श है, इलाज बस का पैसा लेते हैं। चलो अच्छा है, पर आप ठीक कर देते हैं। एक बार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और गुरुजी, बहुत गुरुजी सेवा। सुनो जी, किसी के पास पैसा है तो ले लिया करो जी, पर जी। किसी के पास नहीं है और बहुत कम पैसे में करते हैं उनका। हाँ, फिर ठीक है। वो ईश्वर ने ही मेरे को शुरू से ही वरदान दिया था। बस मुझे पूछना ये था, जैसे जो लोग, लेकिन एक बात और जी, जो आपके पास ये विद्या है जी, इससे इस विद्या को औरों तक भी पहुंचाना है। जी जी, पहुंच भी रही है, मैं दे रहा हूं। ये भाव ना हो जी, जी हमारे पास विद्या है, दूसरों के पास चली जाएगी। जी, विद्या जी। दान करने से विद्या बढ़ती है। जी जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि जो कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं उनमें मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। हाँ। कि वो कैसे ठीक नहीं हुआ या क्या है, बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो क्या उनका ऐसा भाग्य होता है क्या, जो वो ठीक ही नहीं होना है, या क्या आड़े आ जाता है? ऐसा होता है। देखिए, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जी जी। क्या है, जिसके जीवन में दुख आया जी, और जिसका दुख आपने दूर कर दिया जी, इसका मतलब ये है कि उसे इतने ही टाइम के लिए दुख आया था। जी जी। कुछ होता है हरि इच्छा भावी बलवाना जी जी, जिसमें ईश्वर की इच्छा मिल गई कि अब इसे इसके कर्मों का दंड भोगना ही है जी, फिर उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। सही। इसलिए वो भगवान पर छोड़ दो। आप जितना कर रहे हैं वो बेस्ट है, वो अच्छा। और गुरुजी, एक सवाल ये था कि क्या भगवान तक हमारी बात या हमारी पूजा या हमारी जो भी आस्था है वो आप डॉक्टर हैं और आप बड़ी श्रद्धा से मरीजों की सेवा इसलिए करो कि ये मरीज के रूप में भगवान आए हैं। भगवान मानकर मरीजों की सेवा करना, यही आपकी पूजा है, यही आपकी भक्ति है। सर, एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ। कि मेरे परिवार में क्या एक समस्या है, हम लोग की कुल देवी देवता की पूजा होती थी एक हाँ। समय पर, आज वो 3.5 साल से बंद है दूसरे घर में। क्यों? वो हमारी चाची उस घर को बंद करके चली गई, तो कुल देवी देवता अंदर ही हैं और आज तक 3.5 साल से पूजा नहीं हुई है। तो चाची को बोलो ना खोलें। बोलते हैं खोलने को, पर नहीं खोलती, वो अदर देश में चली गई, जो भी है शहर में बस गई है। अच्छा। तो वो आती नहीं है। अब समस्या ये है कि हमारे घर में थोड़ा सा, तो फिर ऐसा करो कि उस घर की माटी जी, उस घर की माटी को आप लाओ और ये बोल दो कि हमारी जो भी आपकी देवी और देवता हैं, हे कुल देवी, हे कुल देवता, हम आपको अपने घर ले चलकर स्थापित करना चाहते हैं। जी जी। तो उस घर की माटी लाकर, उस स्थान की माटी मिल जाए तो और अच्छा है, वरना उस घर की माटी लाकर आप अपने जहाँ पर रखना चाहो उसको रख दो और फिर विधिवत वैसी पूजा जैसे करते थे यहाँ पर
उनकी स्थापना करके वहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दूं। तो दो थे उसमें, मतलब कि क्या एक नरसिंह भगवान है वो बटैया रूप में है और एक मिट्टी के रूप में थोड़ी सी वो बने हैं, तो दोनों को कैसे लाएंगे? नहीं आप दोनों तो एक कुल देवता है एक कुल देवी है, अब ये नहीं जानते एक नरसिंह भगवान है और एक कुल देवता तो नरसिंह भगवान तो कुल देवता होंगे फिर आपके। जी जी। और देवी कौन है? नौमी माता। हाँ तो जो नौमी माता है आप एक काम करना, बटैया ना मिले ना मिले ना जी, माटी लाके आप एक नरसिंह भगवान की फोटो ले आइएगा। जी जी। या शालिग्राम भगवान ले आइएगा। जी जी। तो नरसिंह शालिग्राम भगवान को मान के और उनकी स्थापना अपने घर पे करके उनका आवाहन कर लीजिएगा। एक रामनगर के देवता, तीनों का नाम लेते हैं हम तो हम क्या माने समझे नहीं। तो आप केवल नरसिंह भगवान को और देवी को स्थापना कर लो, बाकी आवाहन कर लो उनमें, तो वो विराजमान हो जाएंगे। सबके लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपके कुल देवता दूर हैं और आप अपने पास लाना चाहते हैं तो वहाँ की मिट्टी लाकर ये आवाहन करके लाओ कि हे हमारी कुल देवी, हे हमारे कुल देवता, हमारे संग चलिए और वहाँ रहकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जी जी। तो गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत सारे लोगों का इलाज करके ठीक कर सकूं बस। बिल्कुल आप सबकी सेवा कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए।